please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से डिफरेंट टाइप का पेज बॉर्डर क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, तो आप आसानी से यहाँ पर डिफरेंट टाइप का पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक पेज बॉर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके लिए सिंपली आपको जो भी पेज साइज वगैरह आपको क्रिएट करने हैं, आप क्रिएट करके काम कर सकते हो। यानी कि बेसिकली ये पेज बॉर्डर आप प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट का कवर पेज वगैरह आप बना रहे हो तो वहाँ पर आपको ढेर सारे यूज करने का आपको मिलेगा। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली डिजाइन के अंदर जाकर भी आप यहाँ पर पेज बॉर्डर के अंदर जाकर ढेर सारे पेज बॉर्डर आपको सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने दिया हुआ है। दोस्तों, ये पेज बॉर्डर आप चाहे तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप का आप अपने स्टाइल से, आप अपने डिजाइन लगाकर, आप अपने दिमाग लगाकर कुछ यहाँ पर पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको आप लेआउट के अंदर जाकर एक पेज साइज सेलेक्ट करता हूँ, A4 साइज। दोस्तों, यहाँ पर देखिए A4 साइज, और सिंपली आपको इस पेज को छोटा करना है, और उसके बाद आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है। अब आपको जाना है दोस्तों शेप्स के अंदर, और आपको यहाँ पर चूज करना है रेक्टेंगल शेप्स। तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सेफ फिल कलर नो फिल करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सेफ फिल कलर नो फिल, सेफ आउटलाइन आपको जितना वेट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो उसके बाद आपको जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद सिंपली आपको इसको थोड़ा सा और पतला वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, और इसी को कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट करते हुए आप इसको शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा करते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पर सेट करते हुए आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सिंपली इसको आप थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना चाहते हो तो बड़ा वगैरह भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके से। इस साइड भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और इस साइड भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ध्यान से बड़ा कर लीजिए दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से ये सब कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बड़ा किया है। अब आपको जो भी यहाँ पर कॉर्नर बॉर्डर वगैरह आपको बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है, आपको जाना है दोस्तों सिम्बोल के अंदर। ध्यान रखिए दोस्तों, सिम्बोल के अंदर क्लिक करना है। अब आपको जाना है मोर सिम्बोल के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा सिंबल देखने का मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको छोटा करता हूँ, और यहाँ से इस तरीके से आपको दिखाने के लिए रखता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट चूज करना है, आकृति 08 आकृति इमेज। ध्यान रखिए दोस्तों, ये फॉन्ट आपके पास नहीं हो तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी आप काम कर सकते हो। आपको जो कॉर्नर वगैरह आपको पसंद है वही सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ, और इंसर्ट करता हूँ, और क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आ चुका है, इसको मैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ही क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं वर्ड के अंदर क्लिक करता हूँ, वर्ड स्टाइल 1 के अंदर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल चुका हूँ। इसको मैं सबसे पहले तो रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये जो जितना बड़ा करना है उसके लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह इस तरीके से बड़ा करते हुए काम कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी कलर वगैरह यानी कि स्टाइल वगैरह आपको नो शैडो टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह शैडो नो शैडो कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और कलर वगैरह आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसी को आपको कॉपी करना है कंट्रोल होल्ड करते हुए, और उसके बाद इसी को अलाइनमेंट यानी कि रोटेट फ्लिप करना है कुछ इस तरीके से। आपको जितना फ्लिप करना है आप फ्लिप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ रखते हुए आपको यहाँ पर सेट करना है। देखिए दोस्तों कितना आसानी से यहाँ पर काम हो चुका है। इसको भी कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको सेट करना है, फिर से आपको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पर सेट करना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल होल्ड करते हुए इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रोटेट के अंदर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके से फ्लिप करना है। आप चाहे तो
यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको जहाँ पर इसको सेट करना है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये वाला पेज बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो इसको शेप वगैरह करते हुए काम कर सकते हो। और उसके बाद फिर से आपको लेआउट के अंदर क्लिक करते पेज ब्रेक करते, यानी कि आपको एक और ब्लैंक पेज लेकर आपको इसके ऊपर आप एक और पेज क्रिएट कर सकते हो। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर और एक डिज़ाइन वाला शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा, यानी कि पेज बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप चाहे तो शेप्स का यूज़ करते हुए, ढेर सारे शेप्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर अवेलेबल है दोस्तों, आप चाहे तो जो भी शेप्स वगैरह यूज़ करते हो आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा, यानी कि फ्री फ्रॉम शेप्स लेना चाहूँगा। फ्रॉम शेप्स कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करते हुए काम करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा वाइट इस तरीके से। आप चाहे तो जो भी कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से इसको कंट्रोल डी करते हुए आपको इसको छोटा करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इतना तक बना चुका हूँ। इसको मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको भी और राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूँगा और इसको ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये वाला पेज बॉर्डर भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और इसी को मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको फिर से रोटेट करूँगा इस तरीके से। फिर से कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं सेट करूँगा, फिर से रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये भी पेज बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिर से आपको कंट्रोल यानी कि एक और पेज क्रिएट करना है और आपको इसके नीचे एक और पेज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब आपको जो भी फिर से आपको शेप्स यूज़ करते हो आपको पेज बॉर्डर वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो। ढेर सारा बॉर्डर अवेलेबल है दोस्तों। और उसके बाद आपको सिंपली जाना है सिंबल के अंदर और आपको कॉर्नर बॉर्डर फिर से आपको सेलेक्ट करना है। कॉर्नर बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए आपको आकृति इमेज का फॉन्ट यूज करना है। आप चाहे तो जो भी आकृति इमेज पर आपको फॉन्ट वगैरह दिखेगा आपको वही सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल के लिए ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, यानी कि ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है। इसको मैं इंसर्ट करूँगा और क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आ चुका है, इसको नीचे की तरफ आ रहा है शायद, यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं बॉर्डर थोड़ा स्टाइल 1 सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट का शैडो रिमूव करता हूँ और इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा। अब मैं यहाँ पर इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखूँगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इसी को आपको कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी करते हुए आपको यहाँ पर काम करना है। इस तरीके से आपको बॉर्डर वगैरह आप एक एक करके बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से यहाँ पर मैं कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके से। और इसको मैं राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूँगा और ग्रुप करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको रहूँगा और इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए। फिर से इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करूँगा। तो इस तरीके से फिर से मैं इस सभी को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया है ग्रुप और इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा और इसको भी मैं इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करते हुए शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए नीचे की तरफ रहूँगा और इसको यहाँ पर सेट करूँगा और इसी को कॉपी करूँगा फिर से और इसको रोटेट करूँगा शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप इस तरीके से कितना आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर ये काम बना सकते हो ये शेप्स। आपको जो यहाँ पर अनग्रुप करना है और उसके बाद इसको जो जो आपको अननेसेसरी पार्ट है आपको इस तरीके से ये वाला डिलीट कर सकते हो और इसके ऊपर यहाँ पर ये सेट कर सकते हो और इसको आपको ये वाला पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल होल्ड करते हो कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने कितना आसानी से
इतना तक कंप्लीट किया है। ये दो को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है दोस्तों। अब मैं इसको राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूँगा। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। और इसके बाद इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल होल्ड करते हुए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर क्रिएट किया है, इस वाले बॉर्डर। ये बॉर्डर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बॉर्डर आपको इसी तरीके से खुद क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको सिंपली जो जो कलर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर जाकर जो कलर आपको ठीक लगे वही कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके ऊपर भी जाकर ये वाला कलर, इसके ऊपर भी जाकर ये वाला कलर, और उसके नीचे की तरफ भी इस तरीके से आपको ये वाला कलर आपको फिल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से इतना तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर जाना है शेप्स के अंदर और बॉर्डर वगैरह इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पर जो जो बॉर्डर वगैरह आपको लगाना है वही बॉर्डर आप यहाँ पर इस तरीके से लगा लीजिए। और उसके बाद आपको सेफ फिल कलर नो फिल करना है, सेफ आउटलाइन जो कलर आपको पसंद है वही कलर सेलेक्ट करना है, आउटलाइन वगैरह का वेट आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बड़ा कर लीजिए। फिर से आपको रेक्टेंगल बॉक्स, आप चाहे तो यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसको इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉर्नर पर राउंड करना है और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा करना है। और उसके बाद आपको ये वाला सेफ फिल कलर नो फिल करना है, आउटलाइन आपको जो आउटलाइन पसंद है आप वही आउटलाइन सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आपको बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और इसको भी आपको इस तरीके से बड़ा कर लीजिए और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये बॉर्डर भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस तरीके से जितना बॉर्डर आपको पसंद है आप क्रिएट कर लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, फॉन्ट होना चाहिए आकृति इमेज, ध्यान रखिए दोस्तों आपके पास आकृति इमेज फॉन्ट होना चाहिए। ढेर सारे आकृति इमेज पर यहाँ पर देखिए कितना कितना अच्छा अच्छा कॉर्नर बॉर्डर के लिए यहाँ पर कॉप्स वगैरह है। तो यानी कि आप इस तरीके से ढेर सारे कॉर्नर बॉर्डर का यूज करते हुए, फॉन्ट वगैरह यूज करते हुए आपको कॉर्नर बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए ये बॉर्डर आप बना सकते हो। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर पीएस बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कस्टम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।